पार्षद ने पुलिस के लापरवाही से पड़ा रहा शव, 2 घंटे नदी किनारे, नहीं हुआ पंचनामा। रिश्तेदारों ने देखी पुलिस की राह, लेकिन रिश्तेदार ही ले आए शव को अस्पताल। पार्षद ने पुलिस के खिलाफ नागरिकों में रोष देखा गया है। पुलिस सिपाही शिंदे पर कार्रवाई की मांग भी नागरिकों ने की है। गुरुवार की दोपहर शेषराव शिंदे युवक पेंच नदी के किनारे मछली पकड़ने गया था। वहां पर मछली पकड़ने का जाल नदी में पानी में लटकने से जाल को निकालने में नदी में उतरकर जाल निकालने की कोशिश में बह गया था। खबर लगते ही कुछ मछुआरे नदी में शेषराव को ढूंढने गए थे, पर शेषराव कहीं नजर नहीं आया। नदी के पानी में बह जाने की खबर पार्षद ने पुलिस को दी गई थी। शव नहीं मिलने से शव को ढूंढने के लिए शुक्रवार को भी सुबह कुछ मछुआरे नदी में खोजबीन के लिए गए। उसी समय 10 बजे शेषराव शिंदे का शव नदी के पानी में तैरता दिखाई दिया। तुरंत लोगों ने शव को बाहर निकाला। शव मिलने की जानकारी पार्षद ने पुलिस को सुबह 10 बजे दी गई है। खबर देने के बाद पार्षद ने पुलिस घटनास्थल पर मुआयना करने नहीं आई, न ही पंचनामा करने। रिश्तेदार और कुछ लोगों ने बार बार मोबाइल से घटना की जानकारी पुलिस को दी। घंटा डेढ़ घंटा होने पर भी पार्षद ने पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची, ना ही पंचनामा करने आई। राह देखते हुए डेढ़ घंटा शव नदी किनारे धूप में पड़ा रहा। रिश्तेदार राह देख रहे थे, फिर भी पुलिस नहीं आने से लोगों में रोष दिखाई दिया। तभी पुलिस नहीं आने से रिश्तेदारों ने शव को उठाते हुए पार्षद ने अस्पताल ले गए। कानूनी कार्रवाई के बगैर ही शव को लाना पड़ा, पर तब भी कार्य पर कार्यरत पुलिस सिपाही शिंदे आखिर तक घटनास्थल पर नहीं आए। अस्पताल में शव लाया गया, तब पुलिस शिंदे वहां पर हाजिर होते ही लोगों का गुस्सा शिंदे पर दिखाई दिया और पुलिस विभाग के ऊपर सवाल उठाए गए। संवेदनशील घटना होने पर भी यहां के सिपाही शिंदे घटनास्थल पर न जाना, घटनास्थल पर पंचनामा न करना, शव को प्रतीक्षा में पड़े रहने देना, शव का कुल परिवार को तकलीफ देना, इस तरह की घटना पुलिस विभाग के सिपाही शिंदे ने की है। इसलिए गैर जिम्मेदाराना पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग नागरिकों ने की है। इस तरह की घटना संवेदनशील होते हुए, घटना की गंभीरता को जानते हुए जानबूझकर शहर में अशांति फैलाने की कोशिश आज घटना से उजागर हुई। इसलिए ग्रामीण पुलिस अधीक्षक नागपुर ने कार्य में अनदेखी करने वाले पुलिस सिपाही शिंदे के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग परिजनों एवं नागरिकों द्वारा की जा रही है। इन बीच न्यूज के लिए पार्श्वनी से रुपेश खंडारे की रिपोर्ट।